नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का नौवां प्रश्न हम कर रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, हम आकृति के द्वारा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसको मान लो कि यह है भूमि, ठीक है, और इस भूमि पर एक तरफ है एक भवन इस प्रकार से, दूसरी तरफ है एक मीनार। बच्चों ध्यान से देखिए, एक मीनार, यह है मीनार, इसका नाम है ए बी। यह है भवन, इसका नाम है सी डी। ठीक है बच्चों, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये होगा इस प्रकार से। यह जो उन्नयन कोण है यह है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यह कोण, यह है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यह मीनार है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह सीढ़ी जो भवन की ऊंचाई है यह हमने ज्ञात करनी है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, इसमें आपको दो त्रिभुज दिखेंगे। हम ये दो त्रिभुजों को पहले अलग बनाकर दिखा रहे हैं आपको। देखो ये है सी डी बी, जहां पर ये कोण है 30 डिग्री, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो त्रिभुज है वो ऐसा है, ए बी सी सॉरी डी, और इसमें यह जो उन्नयन कोण है यह है 60 डिग्री, इसकी जो ऊंचाई है यह 50 मीटर हमें दी गई है। अब बच्चों देखो, इस त्रिभुज में एक लंबाई दी है 50, दूसरी हम निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में कोई भी लंबाई नहीं दी, इसका मतलब पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें से एक लंबाई हमें यानी कि परपेंडिकुलर की पता है, हम बीडी पहले निकालेंगे, वही बीडी हम यहां लिख देंगे, फिर हम ये निकाल देंगे। ठीक है, ये है इस प्रश्न को करने का तरीका। आइए अब हम इसे हल करके देखते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं, मान लो मीनार है ए बी और भवन है सी डी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इन ट्राइंगल, पहले हमने ये त्रिभुज लेना है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज जो मैंने आपको अलग बना के भी दिखाया है, ए बी डी। इस त्रिभुज में देखो बच्चों, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है टेन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, तो टेन, क्योंकि कोण 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर बटा बेस, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, और जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है 50 मीटर, बटा बेस हमें नहीं दिया हुआ, उसको लिख दो बीडी। अब बच्चों टेन 60, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है रूट तीन बराबर 50 मीटर बटा बीडी। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, बीडी 50 के साथ भाग रहा उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना रूट तीन बराबर 50 मीटर, रूट तीन इसके साथ गुना हो रहा उधर जाके भाग हो जाएगा,
ये आ गई BD की लंबाई, ठीक है बच्चों, ये आ गई है अभी BD की लंबाई। अब बच्चों हम त्रिभुज लेंगे ये वाला CDB, ठीक है, इसे मैं एक और अंक से लिखता हूं ताकि आपको पता लगे कि यहां से नया काम शुरू हो गया। इन ट्राइंगल CDB, देखो फिर से, अब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री यह बराबर होगा परपेंडिकुलर बटा बेस के। तो बच्चों परपेंडिकुलर है CD बटा बेस है BD। अब आप ध्यान से देखिए टेन 30, टेन 30 की जो वैल्यू है वह है 1/√3 बराबर CD। CD हमें नहीं पता, यही हमें निकालनी है CD, भवन की ऊंचाई बटा BD। BD हमने अभी निकाला है 50/√3। अब बच्चों अब ये होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से। तो देखिए 50/√3 एक से गुना होकर हो जाएगा 50/√3 बराबर √3 सीडी से गुना होकर हो जाएगा √3 × CD। √3 यहां सीडी के साथ भाग हो रहा है, जब यह उधर जाएगा तो गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50/√3। ये तो पहले से ही है, √3 यहां इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाके होके भाग, तो ये नीचे √3 से गुना हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया है CD, साथ में मीटर। अब इसको बच्चों ध्यान से देखिए, 50 मीटर/√3 × √3 होता है 3, जैसे √2 × √2 √11 × √11 ऐसे √3 × √3 होता है 3 बराबर CD। आइए अब इसे आगे हल करते हैं हम। देखिए इसके बाद हम यहां हल कर रहे हैं, तो यहां से CD हमारे पास आया है 50/√3, 50/3 मीटर, और 50 को जब 3 से भाग करो, देखो बच्चों 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गए 2 = 0, 3 6 = 18, बाकी बचा 2, आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो ये इसे हम लिखते हैं 16/√3 मीटर, सीडी बराबर 16/√3 मीटर। तो यही बच्चों भवन की ऊंचाई है, तो हम यहां लिख देंगे, देखिए भवन की ऊंचाई बराबर 16/√3 मीटर, यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। तो बच्चों देखिए इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।